तरन तारण के अधीन आते गांव आंसल उताड़ के अड्डा टहलीवाला के नजदीक चल रहे एक नशा छुड़ाओ केंद्र में दाखिल करवाए नौजवान की सेंटर के मालिक तथा कर्मचारियों द्वारा मारपीट कर उक्त नौजवान की बाजू तोड़ देने का मामला सामने आया है। पीड़ित नौजवान की पहचान मनदीप सिंह निवासी वार्ड नंबर 4 भिकीबिंड के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक सदस्यों के द्वारा थाना बलटोहा की पुलिस की मौजूदगी में अपने नौजवान बेटे को नशा छुड़ाओ केंद्र से लाकर सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। इस संबंधी पत्रकारों को जानकारी देते हुए घायल नौजवान मनदीप सिंह और उसके जीजा बलदेव सिंह ने बताया कि 11 जनवरी को सुबह 9 बजे न्यू लाइफ ड्रग काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के व्यक्तियों द्वारा मनदीप सिंह को उसके घर से अपने सेंटर ले गए थे, जिसके 3 दिन बाद मनदीप सिंह की तबीयत खराब होने के संबंधी नशा छुड़ाओ सेंटर के अधिकारियों को कहा कि उसे दवा दिला दी जाए, तो नशा छुड़ाओ केंद्र के मालिकों और कर्मचारियों के द्वारा मनदीप सिंह के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और उसकी बाईं बाजू तोड़ दी गई और इस घटना संबंधी परिवार को सूचित भी नहीं किया गया। और जब 10 दिन बाद उन्हें इस संबंधी पता चला तो उन्होंने थाना बलटोहा की पुलिस को सूचित किया। वह थाना बलटोहा की पुलिस की मौजूदगी में मनदीप सिंह को नशा छुड़ाओ केंद्र में से वापस लाया गया, जिसके बाद इस मामले संबंधी लिखित शिकायत थाना बलटोहा के SHO मैडम सुनीता बाबा को दी गई। इस मौके पर SHO सुनीता बाबा ने कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त नशा छुड़ाओ केंद्र का लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तरनतारण के सिविल सर्जन से जानकारी लेकर बनती कार्रवाई की जाएगी। भिकीबिंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। की नाम है जिहदा? मनदीप सिंह। केड़ा पिंड है? भिकीबिंड। की गल हुई है जड़ी है तुहाडी मां ते साथ ए? जी मैं नशा छड़न वास्ते सेंटर च आया ही। केड़ा सेंटर है? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਾਲੀ ਅੱਡੇ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੋਟ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪੀ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ? ਕੁੱਟੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੋੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਰੀਸੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।